फाइनली गाइज, कल करीब 1.5 लाख से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। ये बड़ी जो खबर है लखनऊ से डायरेक्टली आ रही है और इसके रिगार्डिंग अच्छा खासा अपडेट है। तो भाई, जो छात्र पिछले 2 से 3 दिन से, आज संडे को कोई छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई, सैटरडे को नहीं भेजी गई, फ्राइडे को कुछ छात्रों की भेजी गई थी, जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो भाई, कल मंडे के दिन बैंक्स भी बैन थे और कल वाले कॉल रिगार्डिंग आपने सुना होगा कि मंडे से छात्रवृत्ति जो है वो भेजी जाएगी। इस बात में कितनी पुष्टि, इस बात में कितना दम, सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा। DW से छात्रवृत्ति के रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर अब आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो आपको एक ज़रूरी काम जो है वो करना होगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यार अपडेट ये है कि कल की डेट में लगभग 1.5 से 2 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। ये जानकारी DW लखनऊ से डायरेक्टली प्राप्त हो रही है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं कि जनपद के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जनपद छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति से जिन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति आवेदन वेरीफाई हो गया, ऐसे समस्त आवेदनों पर धनराशि प्रेषित किए जाने की कार्रवाई जो है वो लखनऊ, यहाँ पे देखेंगे लखनऊ से प्रक्रियाधीन है। जिन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति धनराशि अभी उनके बचत खाते में अंतरित नहीं हुई है, उन समस्त छात्र छात्राओं को निदेशालय पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश लखनऊ से सूचना प्राप्त होते ही 15 अप्रैल 2022 तक छात्रवृत्ति धनराशि प्रेषित किए जाने के संबंध में वस्तु स्थिति की अवगत करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों का स्कॉलरशिप अगर आना होगा तो 15 अप्रैल 2022 तक आ जाएगा, जिन छात्रों का वेरीफाई है फॉर्म, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कारण था, क्या बड़ी वजह थी, इसको लेकर एक बाकायदा जो डिटेल ब्यौरा है, यानी कि कह सकते हो स्टेटस, वो अपडेट हो जाएगा आपके स्टेटस पे। तो उस दौरान भी आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी खबर है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल यानी कि 4 अप्रैल के दिन करीब 2 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जा सकती है। तो ये कौन से 2 लाख छात्र हैं, इन पर हम बात करेंगे। देखिए, बैंक के इशू के कारण 1 तारीख को जो छात्रवृत्ति भेजा जाना था वो छात्रवृत्ति 4 को भेजा जाएगा और फिर फाइनली 8 को एक ट्रांजेक्शन होगा। ये बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है इस वक्त। और कल दोपहर वाले वीडियो में या फिर शाम वाले वीडियो में मैं बाकायदा लखनऊ के अधिकारी से बात करूंगा और कॉल रिगार्डिंग अगर आप लोग कहोगे तो डाल दूंगा, समझ गए। तो गाइस, या यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में कोई भी अपडेट अगर आपको पाना है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना होगा, होप आप लोग कर दिए होंगे। चलिए आगे के अपडेट्स पे। तो गाइस, यार यहाँ पे कुछ छात्रों ने कमेंट किया है, जैसे कि शेख हरियास का कहना है, सर मेरा फॉर्म 15/3/2022 की वेरीफाइड हो गया था मगर पैसा अभी तक नहीं मिला है, 12th में 59% है। देखिए, प्रीवियस ईयर में आपका 60% के ऊपर होना चाहिए, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और 12th में 60% से कम है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मगर आप सेकेंड ईयर में हो और आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 60+ है तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर से आएगी। मिस्टर एजे का कहना है कि आई एम प्रमोटेड, आई गॉट स्कॉलरशिप ऑफ अमाउंट 9600 BSc सेकेंड। तो उनका कहना है कि भाई मैं भी प्रमोटेड वाला स्टूडेंट हूं मगर मुझे 9600 का स्कॉलरशिप मिला है। तो जो छात्र कह रहे थे कि इस बार प्रमोटेड वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वो लोग अच्छे से देख लें, थैंक्स भाई। और किसकी 1 अप्रैल के बाद छात्रवृत्ति आई है, देखिए 1 अप्रैल को कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति रिसीव हुई, उसके बाद 2 को किसी छात्र को रिसीव नहीं हुई, 3 को यानी कि आज भी रिसीव नहीं हुई, लेकिन 4 को रिसीव होने की पूरी जो संभावनाएं हैं वो बरकरार बताई जा रही हैं। और ऐसे में एक देख सकते हैं कि डानिश अंसारी का कहना है, मेरी स्कॉलरशिप आ गई बीएड 3rd सेमेस्टर, 36,360 रुपये आया है माइनॉरिटी का। तो इनका कहना है कि माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 36,360 रुपये इनका आज की डेट में स्कॉलरशिप जो है वो आया है। राजा ठाकुर का कहना है कि मेरी अभी तक नहीं आई, 1B किस्त OBC। और इसके अलावा स्वाति गुप्ता का कहना है कि सर मेरा स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से 19 मार्च को ही वेरीफाई हो गया मगर अकाउंट वेरीफिकेशन स्टेटस में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS शो हो रहा है। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके सभी छात्रों की स्कॉलरशिप आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो स्कॉलरशिप 10 अप्रैल के पहले मिल जाएगी। एनी हाउ, इस बात को आप समझ लीजिए, 4 तारीख हो गया, वेट करो, 5-6 दिन और इंतज़ार कर लो, छात्रवृत्ति आनी होगी तो ज़रूर से आ जाएगी। और बाकी का हम लोग ट्विटर पे ट्वीट कर ही रहे हैं। तो गाइस, यार यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस अपडेट होने के रिगार्डिंग अपडेट को जानने के लिए, फिर स्कॉलरशिप का पैसा आया है नहीं आया है, इस चीज़ को जानने समझने के लिए सिंपली आपको क्रोम पे बेस्ट रोजगार जो है वो सर्च कर देना है। अगर जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है, यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको लिंक्स जो है वो
कई सारे देखने को मिल जाएंगे। तो जो सा भी आपका कैटेगरी हो सिंपली क्लिक कर देना है। PFMS का देखिए लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक की खासियत है यहाँ पे आपको विदाउट बग विदाउट एनी इशू लिंक मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से विजिट करके अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हो PFMS का। तो होप आप लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और सारा। तो गाइस यार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जो हर संभव प्रयास हो रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं, इधर वो ट्वीट करना हो या फिर कुछ भी। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आओ। देखो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रकाश दुबे यानी कि प्रकाश सीयूटेक नाम है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि कल की डेट में लोग फिर ट्वीट करने वाले हैं करीब 11:30 बजे या फिर आप लोग जैसा कहोगे 12 बजे तक, 12 बजे मान के चलो फाइनल कल 12 बजे ट्वीट किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए और ट्विटर पर भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।